Assalamualaikum everyone. Now we start chapter number 1, Types of Computer. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर की टाइप्स, कौन कौन से कंप्यूटर की टाइप्स मौजूद हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डाटा अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। कंप्यूटर इस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस करती है डाटा जो उसे प्रोग्राम के जरिए दिया जाता है, लाइक इंस्ट्रक्शन, हमारी इंस्ट्रक्शंस हो गया, इनपुट किया जाता है डाटा को, ये सारे कंप्यूटर परफॉर्म करता है। कंप्यूटर आर एक्सट्रीमली वर्सेटाइल, कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है। इन फैक्ट दे आर यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल्स। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। कंप्यूटर की कुछ कैटेगरीज हैं जिसके जरिए उसको हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज मौजूद हैं, एक ग्रे डायग्राम मौजूद है यहाँ पे, उसमें सबसे नंबर वन पे है एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। उसके बाद डिजिटल के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर्स आते हैं, चार तरह के कंप्यूटर आते हैं उसमें, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। इसको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। एनालॉग सिस्टम वर्क्स बाय मेजरिंग कंटीन्यूअस चेंज इन द डाटा। एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग डिवाइस कोड बी द स्पेडोमीटर। आपने देख रहे होंगे एनालॉग कंप्यूटर किस टाइप की डिवाइस होती है जो एक स्पीडोमीटर को कैलकुलेट करती है, मेजर करती है। इसमें कंटीन्यूअस चेंजिंग आती रहती है, जैसे एक गाड़ी में एक स्पीडोमीटर लगा हुआ है तो कंटीन्यूअसली कोई एक 40 की स्पीड पर तो गाड़ी नहीं चलती रहेगी, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आती रहेगी, 0 भी होगी, 10 भी होगी, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। इसमें एक कंटीन्यूअस चेंजिंग आती रहती है इसके डाटा में। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। व्हीकल्स में होती है, गाड़ी में होती है और बिलिंग मशीन्स इन सुपर मार्केट में जो बिलिंग मशीन होती है इसमें भी सबका बिल, कोई सेम बिल तो नहीं आता, सबकी एक उसमें जो मेजरिंग जो होती है उसमें सब में एक ना एक हर किसी की एक अलग अलग चेंजिंग होती है। इसी तरीके से वेदर को प्रिडिक्ट किया जाता है कि कौन सी कंट्री का वेदर कैसा है, हर कंट्री का वेदर डिफरेंट आता है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर के ज़रिए हम ये सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से डिजिटल कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर आर वेरी फास्ट डिपेंडिंग ऑन द वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज नाउअडेज। डिजिटल कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर होते हैं, डिपेंड करता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी आई हुई है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के बाद ये टेक्नोलॉजी में एक इम्प्रूवमेंट आती रहती है और लेटेस्ट वर्जन आते रहते हैं। दीज कंप्यूटर यूज़ द बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है इसमें, बाइनरी लैंग्वेज कौन सी है, 0 and 1। दिस पावरफुल लैंग्वेज इन रिटर्न ऑफर मैनी बेनिफिट्स टू द कंप्यूटर इंक्लूडिंग स्पीड। ये कंप्यूटर क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़ास चीज़ है वो है उसकी स्पीड और उसकी कंपैटिबिलिटी है, ईजी टू यूज़। इसको ईजी तरीके से यूज़ किया जाता है, कहीं पर भी हम चाहें उसको रख सकते हैं उठा के। और आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ कंप्यूटर यूज़ हो रहा है वो एनालॉग कंप्यूटर यूज़ नहीं, वो सबसे ज़्यादा डिजिटल कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। जैसे हमारा बेसिक कंप्यूटर कौन सा है, पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है, जिसे हम माइक्रो कंप्यूटर भी कह सकते हैं, वो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है। जैसे हमारे यहाँ होम्स में, स्कूल्स में और ऑफिस वगैरह में जो कंप्यूटर ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं। ये हर कोई ईजी यूज़ कर सकता है, हर इसके लिए कोई इंस्ट्रक्टर अलग से प्रोवाइड नहीं है जो ख़ास लोग ही यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। इसे हर कोई आराम से इसे सीख के यूज़ कर सकता है। ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। अब डिजिटल कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स आ गए। ये रे डायग्राम में आपको बताइए कौन कौन सी टाइप्स हैं, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। आप ये देखें मेन फ्रेम के अंदर एक अलग से लाइन जा रही है, उसमें क्या लिखा है, ऑफिस एंड बिजनेस। ये ऑफिस एंड बिजनेस पर्पज़ के लिए मेन फ्रेम यूज़ होता है। सुपर कंप्यूटर मैं आपको बताऊंगा किस चीज़ के लिए यूज़ है, मिनी कंप्यूटर भी बताऊंगा एंड माइक्रो कंप्यूटर के अंदर भी 4 से 5 टाइप्स में। वो कौन से कंप्यूटर बता रहे हैं, वो है लैपटॉप है हमारा, नोटबुक है, टैबलेट है, हैंड हेल्ड है एंड स्मार्टफोन। ये सब चीज़ें आज के दौर में यूज़ की जा रही हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर है। इसमें देखें एक स्पेस से, मतलब दुनिया से बाहर एक मशीन और एक टेक्नोलॉजी मौजूद है, इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसके अंदर हाइब्रिड कंप्यूटर एक अटैच है जो एनालॉग सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए ये हर कोई तो यूज़ नहीं कर सकता, इसे इजी टू यूज़ नहीं बोलेंगे, इसे वही बंदे यूज़ कर सकते हैं, वही लोग यूज़ करते हैं जो साइंस एंड स्पेस
के बारे में इनको नॉलेज हो और वही इसे यूज़ करके इस पर रिसर्च करते हैं दुनिया के बाहर कैसा कितने प्लैनेट्स हैं हर चीज़ क्या है ये इसी कंप्यूटर के ज़रिए पता लगाई जाती है। जिस तरीके से साइंटिस्ट आज भी रिसर्च कर रहे हैं दुनिया के बाहर चांद तक जाने के लिए और इससे भी आगे जो भी हमें दुनिया के बाहर स्पेस में हमें जो भी चीज़ प्रोवाइड होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है वो हैबिट कंप्यूटर के ज़रिए रिसर्च करके वो हम तक पहुँचाई जाती है। इसी के अलावा उसके बाद सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर भी एक बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा कंप्यूटर है और ये इसको भी हर कोई यूज़ नहीं कर सकता और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर कहलाता है। ये कहाँ पे यूज़ होता है ये कोई घर में तो यूज़ नहीं होता सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हमारा ज़्यादातर जैसे हमें चांद पे जाना है रॉकेट्स हैं एरोप्लेन्स हैं और बड़ी बड़ी शिपमेंट्स वगैरह हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं ये वहाँ पर सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। इसका भी टास्क क्या है ये भी रिसर्च करता है और डिफरेंट वेदर की प्रेडिक्शंस करने में ये मदद करता है कैलकुलेशंस करता है और इसके अंदर प्रोसेसिंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इसमें इंट्रोड्यूस कब हुआ सुपर कंप्यूटर 1960s में ये कंप्यूटर यूज़ हुआ है। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है इसके अंदर स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मतलब कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है इसकी तेज़ी बहुत ज़्यादा है हर कैलकुलेशन को बहुत विद इन अ सेकंड ये हमें बता सकता है और इसकी एक्यूरेसी क्या है मतलब इसका रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा ख़राबी नहीं होती है इसका एक्यूरेट रिज़ल्ट आता है। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट रिज़ल्ट ये हमें प्रोवाइड करता है सुपर कंप्यूटर। इसके बाद हमारा कौन सा कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा होता है ये वो कंप्यूटर है जो हमने रे डायग्राम में भी देखा कि ऑफिस एंड बिजनेस पर्पज़ के लिए ये हमारा कंप्यूटर यूज़ होता है। ये एक तरीके से सर्वर मशीन कह लें इससे हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को बहुत ज़्यादा पूरा एक नेटवर्क को हम इसे एक कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसमें एक लिखा हुआ गेंज बैंक्स वगैरह में प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हमारी इसमें बैंक्स आ गया इंश्योरेंस कंपनीज आ गई रेलवेज आ गया हमारा मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई। इसके अलावा और भी जो इससे कंपनीज हैं ये सारे इस टाइप के जो सर्वर मशीन्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है ये हम लोग हर घर में ये हम नहीं लगा सकते इसका कोई काम ही नहीं है क्योंकि ये बिज़नेस और ऑफिसेज यूज़ के लिए ये इसका ज़्यादा वर्क होता है। इससे ज़्यादा मल्टीपल ऑफ यूज़र्स हम इससे इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के ज़रिए सारा काम हमारा इजी हो जाता है। इसी के साथ हमारा अगला कौन सा कंप्यूटर है वो हमारा मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर वो इंट्रोड्यूस इन द लेट 1960s में ये इंट्रोड्यूस हुआ। दे आर स्मॉलर दैन सुपर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे कंप्यूटर होते हैं और इसी के साथ से जब वो उससे छोटे कंप्यूटर हैं तो जाहिर सी बात है स्टोरेज में भी और साइज़ में भी ये उससे छोटे कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर हैव मोर प्रोसेसिंग स्पीड एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी दैन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है उससे ज़्यादा होती है इसकी स्पीड उससे कम नहीं होती लेकिन इस सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम से इसकी स्पीड क्या होती है वो कम होती है लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से जो इसके अगला टॉपिक जो हमें नज़र आ रहा है माइक्रो कंप्यूटर उससे इसकी स्पीड क्या होती है मोर प्रोसेसिंग स्पीड होती है मतलब ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड होती है जल्दी से प्रोसेसिंग कर सकते हैं। दीज कंप्यूटर आर यूज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन लाइक जैसे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हैं लेकिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इसमें लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ये कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। इसी के बाद जो है माइक्रो कंप्यूटर है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर इस वजह से कहा गया है क्योंकि ये हम हर कोई इसे हर पर्सन इसे यूज़ कर सकता है ईजी टू यूज़ है हर कोई यूज़ कर सकता है और ये ज़्यादातर हमारे घरों में होता है स्कूल वगैरह में होता है ये कंप्यूटर और इसके डिफरेंट टाइप्स के वर्जन होते हैं लेटेस्ट वर्जन जितना अच्छा वर्जन होगा लेटेस्ट वर्जन होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी और एक बंदा ही इसे चला सकता है मल्टीपल ऑफ यूज़र इस पर काम नहीं कर सकते जैसे मिनी कंप्यूटर में मल्टीपल ऑफ यूज़र लोग काम कर सकते हैं इसके साथ माइक्रो कंप्यूटर में ऐसा नहीं है इसमें एक कंप्यूटर पर एक ही बंदा इसमें अपनी जॉब प्रोवाइड कर सकता है। पर्सनल कंप्यूटर जैसे आपको नज़र आ रहा है कि उसमें एक माउस है स्पीकर है ये सारी चीज़ें जो हमने देखी हुई हैं जो हमारे घरों में स्कूल में मौजूद होती हैं ऑफिस में ये सारी चीज़ें ये पर्सनल चीज़ें हैं हमारी सारी जिसको हम इजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसमें फॉर एग्जांपल लैपटॉप भी आ जाता है हमारा पोर्टेबल डिवाइसेस हो गई और स्मार्टफोन्स हो गए
और इस तरीके के सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी माइक्रो कंप्यूटर के अंदर वो हो जाएगी, इसके अंदर ऐड होती चली जाएंगी। उसमें टैबलेट्स भी हो गए, हैंड हेल्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी माइक्रो कंप्यूटर के अंदर, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इससे हम ईमेल्स कर सकते हैं, एक दूसरे को डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, किसी के मैसेज कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ टाइप कर सकते हैं। मतलब एक टास्क परफॉर्म नहीं करती, ये मल्टीपल ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ स्पीकर मौजूद है, स्पीकर के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सॉन्ग सुन सकते हैं, कोई भी ऑडियो को हम उसमें प्ले कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल ऑफ टास्क को हम इस पर्सनल कंप्यूटर के ज़रिए कर सकते हैं। और जैसे मिनी कंप्यूटर है, इसके अलावा जो दूसरे कंप्यूटर है, वो सिर्फ़ और एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो एक या दो ही टास्क उसके जो उसमें कोडेड होते हैं, सिर्फ वही परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज़ इसके अलावा वो कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते।